मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपने ई बार्टर सिस्टम को लॉन्च करना और इंस्टॉल करना है, डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले तो आपने XAMPP इंस्टॉल करना है। XAMPP इंस्टॉल करने के बाद उसमें XAMPP को ओपन करना है आपको। जैसे ही आप XAMPP को ओपन करते हैं, उसके बाद जो अपने ये सारे आप अच्छे फाइल्स को इंस्टॉल कर लेने हैं, स्टार्ट कर लेने हैं, मेरे ऑलरेडी स्टार्ट करा। उसके बाद की बटन नाम का ये फोल्डर आपको सेंड किया, इसको कॉपी करना आपने और सी ड्राइव के अंदर XAMPP के अंदर HT डॉक्स नाम का फोल्डर मिलेगा आपको, उसके अंदर आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये पेस्ट करने के बाद फिर आपने लोकल सर्वर खोलना अपना, यहाँ से प्रोबिन पर। उसके बाद माई PHP एडमिन में जाना है, उसके बाद डाटाबेस क्रिएट करना है। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करोगे, डेटाबेस का नाम दोगे, ई बार्टर सिस्टम नाम दोगे। अब मेरे पास ई बार्टर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं ई बार्टर बंद कर देता हूँ, अपना ई बार्टर ही बनाना है। उसके बाद आपका टेबल डेटाबेस क्रिएट हो गया। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने यूज़र क्रिएट करना है, होम में जाके उसके बाद यूज़र अकाउंट्स में जाके यहाँ से ऐड यूज़र अकाउंट करके यहाँ पे एडमिन वन देता हूँ, आपने एडमिन देना है यहाँ, और यहाँ पे पासवर्ड दे देना है admin@1.3। उसके बाद हमें ये सारी प्रिविलेजेस उसको असाइन कर देना है, वो करना आपने। आपका ये यूज़र क्रिएट हो गया। यूज़र क्रिएट करने के बाद यूज़र को आपने डेटाबेस के साथ अलाइन करना। डेटाबेस में जाएंगे और आपने अपना जो डाटाबेस बनाया उसको सिलेक्ट करके गो कर दोगे, यूज़र डाटाबेस के साथ अलाइन हो, उसको चेक कॉल करके गो कर दोगे, तो सारा डाटा यूज़र आपका डाटाबेस के साथ अलाइन भी हो। अब आपने इस डाटाबेस के अंदर अपनी फाइल को टेबल्स को इम्पोर्ट करना है। डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है, इम्पोर्ट में जाके फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे ई बार्टर ODS फाइल है, इसको सिलेक्ट करके आपने फर्स्ट लाइन कंटेंट्स गो करोगे, तो आपका ये टेबल के अंदर जो फाइल्स हैं वो भी टेबल्स हैं ऐड हो इस डाटाबेस के अंदर, जिसमें आप डाटाबेस क्रिएट कर लोगे। उसके बाद आपने ई बार्टर लोकल में ई बार्टर खोलना है, लोकल सर्वर के अंदर डैशबोर्ड को बता के ई बार्टर का पोर्टल खोलोगे। यहाँ पे दो लॉगिन मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन और यूजर लॉगिन। यूज़र लॉगिन में जाके अगर आपका यूज़र अकाउंट नहीं बना हो, पहली बार आपने यूज़र अकाउंट बनाना, उसके बाद उसी यूज़र के अकाउंट से आप लॉगिन करोगे तो सारी प्रिविलेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन में भी आपको ये सारी प्रिविलेजेस एडमिनिस्ट्रेटर वे में मिल जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड और यूज़र नेम आपको सेंड करना है। थैंक यू।